आज बेहद में होगा बहुत सारा ड्रामा और माया का दिखेगा एक नया रूप। माया को मंदिर में जानवी का फोन आता है। वो माया से कहती है कि वो उससे अपने घर के गोडाउन में मिले। वो उसे अश्विन के कातिल से मिलाना चाहती है। माया जानवी की बहकी बहकी बातों से डर जाती है। तभी मंदिर में वंदना आती है, जहां वो माया को बहुत कोसती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से सबको मुसीबत में पड़ना पड़ता है। वंदना माया को कोस के जाती है कि तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है और वंदना अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ पड़ने के बाद माया बाहर जाती है और गुस्से में कोयता लाती है। वंदना को लगता है कि वो उसे मार देगी, लेकिन माया उसे हथियार देती है और कहती है कि मुझे मार दो, मैं अर्जुन को छोड़ नहीं सकती और आप मुझे अर्जुन के साथ देख नहीं सकती, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे मार दो। ये सब कहने के बाद भी वंदना पर कुछ असर नहीं पड़ता और वो कहती है कि ये ड्रामा उस पर नहीं चलेगा और वो उसे बेइज्जत करके चली जाती है। लगता है माया के लिए आगे आने वाला रास्ता आसान नहीं है। क्या करेगी अब माया?